चीते की घर वापसी पर भी गरमाई सियासत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के कोनो नेशनल पार्क में छोड़े चीते, तो कांग्रेस ने दिखाई 2010 की तस्वीर। जयराम रमेश का दावा, कांग्रेस सरकार में शुरू हुआ था मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर कार्यक्रमों की पूरी सीरीज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने किया रक्तदान। एमपी के श्योपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित। दिल्ली में बस्ती संपर्क अभियान में जेपी नड्डा का संबोधन। पीएम के जन्मदिन पर बीजेपी मना रही सेवा पखवाड़ा, कार्यकर्ताओं को नड्डा ने दिया सेवा का संदेश। पीसीसी दफ्तर में सदस्यों की बैठक में बड़ा फैसला, राहुल गांधी के अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पास। सीएम गहलोत ने रखा प्रस्ताव, तीन बार हाथ उठाकर सदस्यों ने जताई सहमति। पीसीसी चीफ, एआईसीसी सदस्य बनाने का भी सोनिया को अधिकार। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने अमानतुल्ला का चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, तो वहीं एसीबी टीम के साथ समर्थकों की बदसलूकी का वीडियो भी आया सामने। लखीमपुर खीरी के बाद बदायूं में दिल दहला देने वाली वारदात। नाबालिग दलित की रेप के बाद हत्या की आशंका। पुलिस पर मिली भगत और लापरवाही का परिजनों ने लगाया आरोप। एमएसएमई दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम। एमएसएमई और हस्तशिल्प नीति 2022 जारी। करीब 12 करोड़ रुपए के एमओयू पर हुए हस्ताक्षर। 29 निर्यातकों को दिए गए प्रोत्साहन अवार्ड्स। लेक सिटी में जुटे 5 राज्यों के हाईकोर्ट जज। यूनियन ऑफ इंडिया एडवोकेट्स की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया उद्घाटन।